तो सरफेस टेंशन स्टार्ट कहाँ से है? दो किस्म की फोर्सेस हैं, कोहेसिव और एडहेसिव। कोहेसिव का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस, एडहेसिव का मतलब ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। दो चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट है इसमें सरफेस टेंशन का फॉर्मूला। सरफेस टेंशन को टी या सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ याद रखना। नेक्स्ट है इसमें कुछ नहीं करना आपने, एप्लीकेशन की भी आपको जरूरत नहीं है इसमें। ठीक, सरफेस टेंशन के बाद जो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है? सरफेस एनर्जी का। सरफेस टेंशन वैसे एक प्रॉपर्टी है किसी भी लिक्विड की कि कोई भी लिक्विड अपनी सरफेस को या एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करता है, छोटा करता है, मिनिमाइज करता है। वो क्यों करता है मिनिमाइज? वो इसलिए मिनिमाइज करता है क्योंकि कोई भी लिक्विड अगर एक वेसल के अंदर पड़ा होगा कोई इस तरीके से इक्विलिब्रियम में, सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी सिर्फ तब आती है जब लिक्विड किस में पड़ा होता है? इन एट रेस्ट। तो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी तब आती है जब लिक्विड किस पे पड़ा हुआ है? एट रेस्ट। मूविंग लिक्विड में सरफेस टेंशन नहीं होती। तो होता क्या है, लिक्विड का कोई भी मॉलिक्यूल है वो अट्रैक्टेड बाय अदर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है और इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट होता है, तो नेट फोर्स जीरो रहती है। तो पानी के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, उनके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। पर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल टॉप की सरफेस पे हैं, उनको ऊपर तो कौन खींचेगी? एयर। एयर और नीचे कौन खींच रहा है? लिक्विड। अब लिक्विड लिक्विड की फोर्स ज्यादा होती है एयर से, तो अल्टीमेटली ये मॉलिक्यूल को कहाँ आना पड़ेगा? थोड़ा सा नीचे। तो ऐसे टॉप की सरफेस जो एयर के कॉन्टैक्ट में है उसको बोलते हैं एक फ्री सरफेस है। फ्री सरफेस का मतलब लिक्विड जब एयर के कॉन्टैक्ट में, उसको फ्री सरफेस बोलते हैं। तो जितने भी लिक्विड फ्री सरफेस में है, एयर के कॉन्टैक्ट में है, वो सारे के सारे नीचे आ जाएंगे और नीचे और भी मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं तो ये टाइट हो जाएंगे। वो टोटल सरफेस जो ऊपर की सरफेस है वो मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी। मैं सॉलिड तो नहीं कहूंगा बट कुछ कुछ सॉलिड की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी। और आप अगर उसको जोर की हाथ मारोगे मेम्ब्रेन टूट जाएगी, मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में आ जाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो एरिया क्या है? मिनिमाइज। एरिया मिनिमाइज हो जाता है, मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं, तो ऐसे केस में ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। किसी लिक्विड में प्रॉपर्टी ज्यादा है सरफेस टेंशन हाई होती है, किसी में नहीं होती सरफेस टेंशन जीरो होती है। ठीक, तो इसमें जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है सरफेस एनर्जी का। आना ही आना है सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट। क्या सरफेस एनर्जी? कुछ ऐसे है कि सपोज करो आपके, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं टॉप की सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑटोमेटिकली कहाँ आने की कोशिश करेंगे? नीचे, जब रेस्ट पे पड़े हुए हैं। अब मैं कोई भी जब जबरदस्ती काम करता हूँ अगेंस्ट नेचर, तो बॉडी में क्या स्टोर हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी। मॉलिक्यूल नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जबरदस्ती उनको ऊपर लेके जा रहा हूँ, लेकिन वो कहाँ आना चाहते हैं? नीचे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। वो वर्क डन स्टोर हो जाएगा उन मॉलिक्यूल्स में इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। मैं छोड़ूंगा वो वापस नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो क्यों स्टोर हो रही है एनर्जी? क्लियर है? तो इसके लिए एक एग्जाम्पल है, ये स्लाइडर लो, ये जो एक एक फ्रेम लो, ये स्लाइडर है, ये स्लाइड कर सकती है रॉड बिना फ्रिक्शन के। सोप का सॉल्यूशन लो, इसमें सोप में डुबो दो, तो सोप की फिल्म बन गई। इसमें सोप की फिल्म क्या करेगी? सोप की जो फिल्म है वो एरिया को मिनिमाइज करेगी, है ना, कॉन्ट्रैक्ट होगी, जिससे ये स्लाइडर जो है वो लेफ्ट की तरफ आने की कोशिश करेगा, लेफ्ट मूव करेगा। अब ये तो नेचर का लॉ है, लेफ्ट तो करेगा ही करेगा बिकॉज सरफेस एरिया इसका मिनिमाइज होगा। पर मैं क्या चाहता हूं कि ये लेफ्ट ना जाए, तो मैं इसको राइट ले गया, और मैं कितना राइट ले गया? एक्स। तो मुझे क्या करना पड़ा? वर्क डन। वो जो वर्क डन करना पड़ा वो बेसिकली क्या है? इसमें एनर्जी स्टोर्ड है, तो वो मैं निकालना चाहता हूँ। तो इसके अंदर मैंने कितनी फोर्स लगाई। अब सरफेस टेंशन होती क्या है? सरफेस टेंशन होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि एल लेंथ पे लग रही है ये, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी इसमें? सिग्मा इन टू एल। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो सोप की फिल्म है वो है तो थिन, पर एक्चुअल में मॉलिक्यूल लाखों हैं इसमें, लाखों करोड़ मॉलिक्यूल्स हैं। तो हो क्या रहा है, इधर के मॉलिक्यूल्स अलग हैं, अंदर मॉलिक्यूल्स अलग हैं और इधर के अलग हैं। तो ये वाले मॉलिक्यूल एयर के कॉन्टैक्ट में, ये वाले मॉलिक्यूल भी एयर के कॉन्टैक्ट में, ये अलग कॉन्ट्रैक्ट होंगे और इधर से ये अलग कॉन्ट्रैक्ट होंगे, दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्शन है। तो फोर्स दो वजह से लग रही है, इधर की फोर्स अलग है, इधर की फोर्स अलग है, और इसमें दो फ्री सर्फेसिस हैं, इधर भी एयर है और इधर भी एयर है, इसलिए टोटल फोर्स को किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? टू से। तो टोटल फोर्स इतनी लग गई। अब एरिया इंक्रीज कितना हुआ? एल इन टू एक्स आगे और एल इन टू एक्स पीछे। आगे का अलग मॉलिक्यूल है, पीछे के अलग मॉलिक्यूल है। तो यहां पर जो सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये नोट करने वाली है कि दिस इज वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन
सरफेस एरिया, ये भूलना नहीं है, क्योंकि यहां से हम वर्क डन या एनर्जीज निकालते हैं। तो जब मैं वर्क डन की कैलकुलेशन करता हूं तो वर्क डन मैंने इतना निकाला, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये फोर्स है इनटू डिस्टेंस, और एरिया इतना इंक्रीज हुआ। जब मैंने सॉल्व किया तो सरफेस एनर्जी इटसेल्फ क्या आ गई, सिग्मा। तो सरफेस एनर्जी और सिग्मा एक ही बात है, न्यूमेरिकली ये सरफेस टेंशन के इक्वल होती है। वैसे ये काम कहां आती है, डेफिनेशन यहां काम आएगी, सरफेस एनर्जी इज वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया। तो वर्क डन का फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा, सिग्मा इनटू चेंज इन एरिया, या सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी रिलीज्ड या एनर्जी डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया। तो एनर्जी रिलीज या एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या आएगा, सिग्मा इनटू चेंज इन एरिया। ये नोट करें प्लीज, ये बहुत जगह काम आएगा। अभी ठीक है यहां तक, देखो इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट आपने इसमें देखना है, एक्सेस प्रेशर। अगर मान लो कोई इसमें लिक्विड का ड्रॉप है, लिक्विड के ड्रॉप के अंदर प्रेशर है, बाहर से लिक्विड के ड्रॉप पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है, अंदर लिक्विड के ड्रॉप का अपना प्रेशर है, तो अंदर का प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्सेस प्रेशर बोलते हैं। सिर्फ फॉर्मूला नोट करेंगे, 2T/R या 2σ/R। तो ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर होता है एक्सेस, वो क्या होता है, 2σ/R। और होता क्या, एक्सेस प्रेशर इनसाइड प्रेशर ड्रॉप का माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये पहला फॉर्मूला। बबल के अंदर ये डबल हो जाता है, क्योंकि बबल के अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है, तो बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला 4σ/R। तो याद रखना, ड्रॉप में 2σ/R, बबल में 4σ/R। ठीक है यहां तक। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर मान लो कोई बबल, देखो बबल का जो अंदर का प्रेशर है वो 4σ/R से सॉल्व होगा। अगर बबल पानी में है, अब उसकी एक ही फ्री सरफेस है, अंदर एयर है बाहर तो एयर रही नहीं, तो आपका फॉर्मूला एक्सेस प्रेशर का इसमें क्या हो जाएगा, अब 2σ/R। अब 4 नहीं रहेगा, 4 इसलिए था क्योंकि बबल पहले एयर में था, अब बबल किसमें है, पानी में है, तो बाहर की सरफेस टेंशन खत्म हो गई, सिर्फ अंदर की बच गई, तो हाफ रह जाएगा। अगर बबल आपका एयर का एच डिस्टेंस नीचे है पानी के, तो उसके अंदर प्रेशर क्या होगा, तो एक्सेस प्रेशर में क्या हो जाएगा, 2σ/R तो होगा ही होगा, बबल पानी में है तो 2σ/R, साथ में पानी भी प्रेशर लगाएगा, कितना, एच रो जी। तो बबल के अंदर का प्रेशर पी इनसाइड माइनस एटमॉस्फेयर है, तो बबल के अंदर का प्रेशर पी एटमॉस्फेयर राइट पे जाएगा। तो ये ऑप्शन आपको ऑब्जेक्टिव में दिखेगा, ठीक है, इसमें एच रो जी एक्स्ट्रा ऐड कर देना है, बस फाइनल आंसर में एच रो जी एक्स्ट्रा ऐड करना है। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है, लिक्विड जो होता है वो कंटेनर की, जो कंटेनर है उससे चिपक जाता है, और कई लिक्विड नहीं चिपकते। ये सब डिपेंड करता है कि कंटेनर और मॉलिक्यूल्स के बीच में कितनी फोर्स है। कईयों में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा होती है, तो मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं, कंटेनर से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, रादर ऐसा मेनिस्कस हो जाता है, इसको कनकेव बोलते हैं। कई फ्लैट रहते हैं और कुछ कन्वेक्स हो जाते हैं। मरकरी जैसा जो लिक्विड है उसमें मरकरी की फोर्स बहुत स्ट्रांग होती है, वो चिपक नहीं पाता कंटेनर से, तो मरकरी कन्वेक्स शेप होती है, और जो आपका वाटर है वो कंकेव शेप होता है, ऐसा कुछ होता है। तो इसके अंदर अगर कोई भी लिक्विड है जिसका मेनिस्कस ऐसा है, और आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो इसके कॉर्नर पे, ये टेंजेंट इस कंटेनर के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अगर मेनिस्कस फ्लैट है तो टेंजेंट बिल्कुल फ्लैट बनेगा, तो कंटेनर के साथ एंगल क्या बनाएगा, 90। और अगर मेनिस्कस ऐसा है तो टेंजेंट ऊपर जाएगा, ये एंगल नहीं बनाना ऊपर से, लिक्विड के अंदर जो एंगल है ग्रेटर देन
90, तो लेस देन 90, ग्रेटर देन 90 और इक्वल टू 90। तो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बस याद रखना, नीट वाले ये भी याद कर लेंगे कि जो लिक्विड, अच्छा हाँ ये भी याद रखेंगे, लिक्विड दैट वेट्स द वॉल ऑफ द कंटेनर, जो चिपकते हैं लिक्विड कंटेनर से उनका जो एंगल है वो क्या होता है, लेस देन 90। जो नहीं चिपकते मरकरी जैसे उनका एंगल ग्रेटर देन 90, और वाटर और ग्लास का जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है 8 डिग्री के आसपास रहता है, सिल्वर और प्योर ग्लास का 90 रहता है। कई बार थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है मेडिकल में, ठीक है यहाँ तक, कुछ नहीं करना, ये समझना है। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, पतली सी ट्यूब पानी में डाली, पानी ऊपर उठ गया, कैपिलरी एक्शन। इसमें याद करना है अगर लिक्विड फ्लैट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नीचे और ऊपर अगर पॉइंट लेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों पे सेम रहेगा, मतलब प्रेशर नीचे और ऊपर सेम रहेगा पी एटमॉस्फेरिक। पर अगर आपका मेनिस्कस ऐसे है तो ऊपर एटमॉस्फेरिक है, नीचे प्रेशर कम होता है एटमॉस्फेरिक से बाय 2t बाय कैपिटल आर, और अगर मेनिस्कस ऐसे है तो नीचे का प्रेशर ज्यादा होता है ऊपर के इस पॉइंट के प्रेशर से, कितना, बाय 2t बाय आर, वेयर कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस। ट्यूब का रेडियस नहीं है, मेनिस्कस का मतलब इसका रेडियस, अगर हम इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करें तो ये इसका कैपिटल आर मेनिस्कस का रेडियस है। तो ऐसे ही अगर इसे ड्रॉ करें, ये कैपिटल आर रेडियस है, इमेजिनरी मन में सोच रहे हैं, ये ट्यूब का रेडियस नहीं है। बस ये रिजल्ट याद रखना है, इसको यूज कैसे करना है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, तो प्रेशर डिफरेंसेस ऊपर और नीचे कैसे चेंज होते हैं, ये फॉर्मूलास को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे कैपिलरी एसेंट फॉर्मूला है, आप जब कैपिलरी को डालते हो एक पानी में तो जो एच हाइट अटेन करता है, प्रूफ तो करना नहीं है, तो पहला फॉर्मूला नोट करें, हाइट ऑफ लिक्विड का कैपिलरी में 2t बाय r rho g, t फॉर सरफेस टेंशन। तो अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो तो कैपिटल r इसमें ये लिख लेना, रेडियस ऑफ क्या है, मेनिस्कस, जो इमेजिनरी रेडियस है, ये इमेजिनरी रेडियस है, ये आएगा इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का, कैपिलरी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो पहला फॉर्मूला ठीक है, लेकिन अगर आप ये मेनिस्कस ड्रॉ करें, देखो ये पूरा मेनिस्कस देख रहे हो, इसका रेडियस कैपिटल आर है, ट्यूब का रेडियस क्या है, स्मॉल आर, और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर थीटा तो 90 माइनस थीटा तो थीटा, तो रिलेशन है ट्यूब के रेडियस में और कैपिटल आर में क्या, कॉस थीटा स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। तो ये रहा, तो कैपिटल आर को ऊपर पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो एक और फॉर्मूला आ गया, 2t cos थीटा बाय r rho g। तो ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब ट्यूब का रेडियस गिवन होगा, कैपिलरी का गिवन है तो कैपिटल r और ट्यूब का गिवन है तो स्मॉल r, ठीक है यहां तक। दूसरा फॉर्मूला, अगर कैपिलरी इनसफिशियंट लेंथ की है, पानी को ऊपर ज्यादा चढ़ना है, लिक्विड को ऊपर ज्यादा चढ़ना है और लेंथ आपने कैपिलरी की कट कर दी, छोटी है, तो वो फाउंटेन बन के बाहर नहीं आएगा, कैपिटल r चेंज होगा, क्या होगा, ये फॉर्मूला है, इसमें एच और आर एक तरह, बाकी सब कॉन्स्टेंट्स हैं किसी भी लिक्विड के लिए। तो अगर हाइट छोटी रखेंगे तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस क्या होगा, बड़ा होगा, तो एच इंटू आर इज अ कॉन्स्टेंट, ये फॉर्मूला नोट करें, एच अगर छोटा रखेंगे तो आर क्या होगा, इसमें बड़ा होगा, ठीक है। और फैक्टर्स ये उसमें आ जाता है, नीट में भी आ जाता है, सॉल्यूट, सॉल्यूट में क्या होगा, हाईली सॉल्यूबल सब्सटेंस लाइक सोडियम क्लोराइड इंक्रीजेस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, स्पेरिंगली सॉल्यूबल सब्सटेंस लाइक सोप रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। तो कुछ जो आपके जो सॉल्यूट है वो बढ़ा देते हैं सरफेस टेंशन, कुछ कम कर देते हैं। टेम्परेचर में सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और सरफेस टेंशन बिल्कुल जीरो हो जाती है किसी टेम्परेचर पे, नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर, याद रखना। तो और कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है, और इसको नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे।